हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी अभी मैं सो के उठा हूँ और सुबह सुबह की नींद पता नहीं क्या है, मतलब सो के उठने का मन ही नहीं करता है। और आज तो पता नहीं, सर भी इतना भारी भारी लग रहा है, खतरनाक, मतलब हल्का हल्का दुख रहा है। और बाहर भी मौसम क्या गजब हो रहा है, खतरनाक, मतलब मस्त हो रहा है, कल से ही मस्त हो रहा है मौसम तो। और सुबह तो बारिश भी आ रही थी, धीरे धीरे आ रही थी, मतलब बारिश। तो अभी देखते हैं यार, मस्त हो रहा है मौसम, थोड़ी देर बाहर बैठूंगा। क्या जोरदार हो रहा है मौसम, मस्त। और कल रात को तो हवा भी खतरनाक चल रही थी, मतलब बहुत तेज हवा चल रही थी, तो पेड़ वेड़ भी इतने खतरनाक हिल रहे थे। जो मैंने ग्रीन शीट लगाई थी वो भी इतनी खतरनाक हिल रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर एक दो उसके तार खुल गए ना तो वो उड़ी जाएगी। खतरनाक ही उड़ रही थी वो कल। मेरी गाड़ी भी काफी गंदी हो रही है वापिस से यार, रोज रोज साफ करता हूँ उसको, फिर भी खतरनाक गंदी हो जाती है वो। मतलब ये टाइम ही ऐसा है कि धूल मिट्टी उड़ने वाला और खतरनाक ही, तो खतरनाक सी गाड़ी हो जाती है, मतलब इतनी मिट्टी चिपक जाती है जिसकी कोई हद नहीं। और गीले कपड़े से भी नहीं हटती हो, क्योंकि मैट है ना आगे से और सब जगह से, तो मैट में जो हल्के हल्के से छेद होते हैं, जब भी मैट दिखती है वो, तो उसमें घुस जाती है वो मिट्टी और निकलती भी नहीं है। तो मैंने सोचा था एक बार तो धो दूँ, लेकिन फिर मैं सोचा छोड़ो रे यार, कौन धोएगा, क्योंकि अभी नई गाड़ी है और कुछ भी हो गया उसमें तो, इसलिए मैं धोता नहीं हूँ गाड़ी को जल्दी से। क्योंकि पुरानी वाली गाड़ी भी मैंने एक बार धो दी थी घर पे ही, तो वो बंद हो गई थी, फिर उसको चालू करवाने गया मैं, इसलिए मैं धोता ही नहीं हूँ गाड़ी को जल्दी से। ये मेरे फ़ोन में भी पता नहीं क्या सीन हो रहा है, इसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, पता नहीं क्या है यार, इसको भी ठीक कराना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत जल्दी जल्दी मतलब बैटरी ख़त्म हो जाती है। पहले मेरे आराम से सुबह में चार्ज करता था 100% और 3-4 बजे तक चल जाती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो रहा है अभी तो। और पहले मैं गेम भी खेलता था, तो गेम काफ़ी ज़्यादा बैटरी मतलब खत्म करता है जल्दी जल्दी, और अब तो मैं गेम भी नहीं खेलता, फिर भी पता नहीं क्यों बैटरी जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। और कल रात को मैंने नेट ऑन छोड़ दिया था, मेरे को तो लग रहा है इसी वजह से बैटरी खत्म हुई है, लेकिन पहले भी मैं छोड़ देता था कभी कभार नेट ऑन, तो पहले नहीं होती थी, लेकिन इस बार ही पता नहीं क्या हो रहा है, अभी भी आधे से कम हो गई है कुछ ज्यादा ही। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर छत पे, मतलब मौसम के मजे लेने के लिए, किट्टू और मैंने इससे बोली थी कि चल रही है किट्टू ऊपर, तो बोलती नहीं मैं नहीं चल रही, तो मैंने बोला अच्छा सा मौसम हो रहा है चलते ऊपर, तो बोल रही हाँ अच्छा था मौसम हो रहा चलते ऊपर, है ना किट्टू, कहते बोला क्या क्या मौसम अच्छा सा मौसम हो रहा है, और मौसम काफी अच्छा हो रहा है और हवा भी ठंडी ठंडी मस्त चल रही है। Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counter. अम्मा चढ़ रही है किट्टो, गिर जाएगी, फूल तोड़ रही है, मत तोड़े, अम्मा चिल्लाएगी, अम्मा मारेगी तेरे को। यहाँ भी काफी मस्त मस्त फूल उग रहे हैं, और इनकी ये ना सुबह मतलब खुशबू नहीं देता है, और रात होती है ना जब खुशबू देते हैं मस्त मस्त, पूरी गली में खुशबू ही खुशबू हो जाती है। और एक वो सामने पेड़ है, उसकी अजीब सी खुशबू है, पता नहीं कैसी है, मतलब उसमें जब फूल उगते हैं ना तो इतने बड़े बड़े फूल उगते हैं, और उसमें पान जैसी खुशबू आती है, पता नहीं कैसी अजीब ही, जैसे पान खाते हैं और उसकी खुशबू आती है ना, वैसी खुशबू आती है उसमें। और यहाँ भी फूल उग रहे हैं, अमन भी आगा, यहाँ से थोड़ी दिखता है अमन भी आगा, अगर चलेगी तो अमन भी आगे नहीं चलेगी, हाँ बोलती नहीं है तू तो उनके, इसलिए नहीं जाएगी तू तो, है ना। मैं आ गया हूँ भैया के घर पे, भैया ने बुलाया था, क्योंकि इनका भी, भैया का भी यूट्यूब चैनल बनाना था एक। भैया को कल रात को आइडिया आया कि गेमिंग चैनल यूट्यूब बना, मतलब गेमिंग चैनल बनाते हैं एक, तो अभी वही बना रहा हूँ मैं, ये रहा यहाँ पे। कल रात को भैया को आइडिया आया ये कि 3 साढ़े 3 बजे कि गेमिंग चैनल बनाते, कल रात को मतलब भैया गेम खेल रहे थे ऐसे ही, तो अभी बनाता हूँ चैनल और देखते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भैया की वीडियो का, तो जाके देखना, काफ़ी मतलब वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है और बहुत अच्छा खेलते हैं भैया। अभी डिस्क्रिप्शन डालने में थोड़ा देख रहे हैं कि क्या डालें, क्योंकि फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट वीडियो डाल रहे थे, उसमें डिस्क्रिप्शन क्या डालें, बस वही देख रहे हैं। अभी हम ऊपर छत पर आ गए और मौसम काफ़ी मस्त हो रहा है, धीरे धीरे बारिश हो रही है, और क्योंकि
पीछे से देखो गार्डन, ओ गार्डन क्या है, क्या है ये ग्राउंड, क्या मस्त लग रहा है, एकदम खाली है, लॉकडाउन की वजह से पूरा खाली हो गया है। और अभी भैया के चैनल में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको ही ठीक करते करते धीरे धीरे पहले बाहर गए फिर ऊपर छत पे आ गए। तो अभी देख भैया कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब जो जीमेल आईडी नई बनाई थी ना भैया ने, तो उसका ये था कि मतलब उसमें थंबनेल नहीं लग रहा था, और पहले ही बोल रहा था कि आपका चैनल वेरीफाई है, मतलब चैनल को वेरीफाई करना पड़ता है, तो बोल रहा था कि चैनल वेरीफाई है। तो फिर भैया ने पुरानी वाली जीमेल आईडी थी उसका नाम चेंज करा, और उसी से अभी तो बनाया के। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, और फाइनली भैया का भी यूट्यूब चैनल बन चुका है, और उस पर फर्स्ट वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। तो मैंने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भैया की वीडियो का लिंक दिया है, तो वहाँ पे जाके देखो, और कमेंट ज़रूर करना भैया को कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तब भी कमेंट करना, और नहीं लगी वीडियो अच्छी तब भी कमेंट करना, तो कमेंट ज़रूर करना बस। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मतलब कि मैं सुबह गया था 11 बजे, और अभी बज रहे हैं 2:30 बजने वाले हैं। अभी घर पर आने के बाद मैं पापा के बाल काट रहा हूँ, अभी रौनक आ रहा है यहाँ से जीरो मशीन देने के लिए, तो क्योंकि यार मैंने पापा को मना कर दिया था, क्योंकि फालतू अभी वहाँ पे जाएंगे, और भी फालतू वहाँ पे काफ़ी सारे जने बैठे रहते, और मैं भी गया था जब 2 जने बिना मास्क के बैठे हुए थे, तो मेरे से जैसे कटेंगे वैसे ही काट दूंगा यार, लॉकडाउन में कौन देखने जा रहा है। बहुत मेहनत के बाद पापा के बाल कट गए, यहाँ से बहुत देर लग गई पापा के बाल काटने में, क्योंकि काटता नहीं हूँ ना एकदम परफेक्ट नहीं कटे, यहाँ से लाइन लाइन आ गई थोड़ी बहुत, और इसकी दाढ़ी में काटूंगा। ये रौनक इसके घर में चल रही थी शादी, इसके ही तो ये काटूंगा भी, जब बाल आ रहे हैं इतने सारे, कहाँ ये रहा रेजर, काट दूं। पापा के बाल काटने के बाद मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था, क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, 30-35% ही थी बस, क्योंकि मैं मन भैया घर पे था, और उनका यूट्यूब चैनल भी बना रहा था, तो यूट्यूब पे देखा था मैंने कि चैनल को वेरीफाई कैसे करते हैं पता नहीं, तो उसकी वीडियो देखने में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें करी थी वहाँ पे, भैया के थंबनेल बनाया, वीडियो एडिट करी, तो उसमें बैटरी ख़त्म हो गई थी, और आज तो मैंने खाना भी नहीं खाया घर पे, तो देखते हैं अब क्या बनाया। मन भैया घर पे ही खा लिया था वैसे मैंने थोड़ा बहुत, इसलिए घर पे खाना नहीं खाया मैंने। तो अभी 5 बजने वाले, और वीडियो के अपलोडिंग पे लगा दिए मैंने, और अभी चाय बन रही है, तो चाय के साथ ही कुछ खा लूँगा छोटा मोटा, फिर उसके बाद ही रात को ही खाऊँगा डायरेक्ट खाना। तो मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है, ना बरस रहा है ना गरज रहा है, और अब तो धूप भी आ चुकी है मस्त थोड़ी थोड़ी। तो अभी चाय पीने के बाद मैं आ चुका हूँ ऊपर छत पे, और अभी तो राखी आने में काफ़ी टाइम है, और अभी से पतंग उड़ रही है हमारे यहाँ पे, मतलब वहाँ पे उस तरफ उड़ रही है, आगे 2-4 पतंगें उड़ रही है। सही है यार, कुछ ना कुछ तो करते ही रहो, लॉकडाउन में बैठे बैठे करे भी क्या, तो पतंग ही उड़ा रहे लोग। दोनों किट्टू खेल रही है मस्त, पत्थर उछाल उछाल के, ओ गिरी। ये भी कुछ किट्टू है, वो भी किट्टू है, ये हमारे पास में रहती है हनुमान जी के मंदिर वाले घर में, और ये तो यहीं की, ये तो पागल है, ये पागल लड़की है। किट्टो वो कौन है, वो ये छोटी किट्टू है, ये बोलती है इसको छोटी किट्टू, ये बोलती है इसको छोटी किट्टू, दोनों में लड़ाई होती है कभी कभार। तो अभी अमन भैया के चैनल के लिए मैं इंट्रो बना रहा था, इसलिए काफ़ी लेट हो गया, तो अब खाना खाऊंगा मैं। आज खाने में बना है मीठी गेरी, और दिन का करारा है, सब्जी थी मतलब वो बेसन की बनती है, और रोटी, तो खाना खा लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद जाऊँगा बाहर। अभी अमन भैया भी वैसे आए हुए थे, लेकिन वो भैया को फिर दिया मैंने, इंट्रो सेंड करा, और देखते कल वाली वीडियो में लगा देंगे उसको। ये है मीठी गेरी, जो पीछे गली में पेड़ लग रहा है उसी की गेरी, मतलब घर की गेरी है ये, और ये करारे की सब्जी और रोटी। तो अभी खाना खा लिया है मैंने, और बाहर भी मैं थोड़ी देर तक ही घूम के आया हूँ बस। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको आज के वीडियो में भी काफ़ी मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।